हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि एम्स नॉर्सेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसका मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया था कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो ताकि आपका कोई भी डाउट उसमें जो है ना रहे। ठीक है, इसलिए आप वो डिटेल वीडियो जो है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो आप देख सकते हो, वो आपको एम्स नॉर्सेट 2022 की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप चैनल पर देख सकते हो और उसका जो लिंक है वीडियो का वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो अगर आपको वो देखना है तो कमेंट सेक्शन वाले लिंक से भी आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया था फी पेमेंट तक का, और मैंने ये बोला था कि फोटो और जो सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है वो जो आपको अपलोड करना होगा वो जो है काफी जो है मतलब सावधानी से करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दे रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने उस पर ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, जब एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस था जो आपके में होना है। ठीक है, मतलब तीनों चीजें अपलोड करने का, तो उसकी जो सेटिंग है वो कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सारी अच्छे से डिटेल में बता रखी है। 15-20 मिनट्स की वो वीडियो है, आप उसको पूरा कंप्लीट जब देख लोगे तो आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ आ जाएंगी कि फोटो को जो है कैसे सेट करना है। ठीक है, बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो जैसे स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है कुछ चीजें। आपको पहले तो ये मतलब ध्यान रखनी है कि जो है आपका जो फोटो है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो फोटोग्राफ का जो है आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा वो आपका व्हाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट कलर का मतलब बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो आप फोटो कहीं पर भी क्लिक कर लो और काफी सारी एप्स आती हैं प्ले स्टोर में तो वहां से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई व्हाइट वॉल है या फिर व्हाइट जो है कर्टेन है तो उसके आगे अपना फोटोग्राफ क्लिक करवा के उसको सेटिंग उस तरीके से कर सकते हो जिसके जो क्राइटेरिया यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो क्या करना है फिर आपको फोटो वगैरह सेट जैसे भी करना है। ठीक है, जो उसका साइज है जैसे यहां पर दिया हुआ है कि आपका फोटोग्राफ का जो साइज है वो 3.5x4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसको कैसे सेट करना है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जिसमें मैंने सेटिंग्स बताई हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि 100 KB का साइज मैक्सिमम रखना है, तो वो भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया कि 100 KB मैक्सिमम कैसे रखना है। और 200 DPI लिखा हुआ है, यानी कि डॉट्स पर इंचेस, ये क्या होता है, ये रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन जो है ये कैसे मेंटेन करना है वो भी मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है कि सेटिंग आपको अपने फोटोग्राफ की कैसे करनी है। आपको बेसिकली करना क्या होगा, एक अपना सिंपल सा फोटोग्राफ क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल से या किसी से करवा लेना। ठीक है, तो वो जो फोटो आएगा आपका उसकी सेटिंग आपको उस तरीके से करनी होगी जैसे मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो में बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे कर देना है। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें लिखी हैं कि एक बॉक्स बनाओ 6x3 सेंटीमीटर का, इतना सब आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अपना सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे किया, आपने उसकी हॉरिजॉन्टली फोटो लेनी है। ठीक है, उसकी फोटो कैसे लेना, हॉरिजॉन्टली ले लेना। तो हॉरिजॉन्टल फोटो लेने के बाद 6x3 सेंटीमीटर ये जो सेटिंग है ये आपको कैसे करनी है वो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता लग जाएगी। एक चीज मैं बता दूं कि सिग्नेचर के लिए मैंने वहां पर जो सेटिंग बीएससी नर्सिंग वालों के लिए दी गई थी वहां पर 3x6 दी थी गलती से। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना, वो वीडियो में मैंने 3x6 बता रखी है, तो आपको उसकी जगह पे 6x3 कर लेना, यानी कि विड्थ जो होगी उसमें 6 सेंटीमीटर डालोगे और जो हाइट होगी उसमें 3 सेंटीमीटर डालोगे। उस वीडियो में मैंने उल्टा करके दिखा रखा है क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट उस तरीके से बताई गई थी 3x6 की, लेकिन आपको कैसे करना है 6x3, यानी कि विड्थ में आप 6 सेंटीमीटर डालोगे और हाइट में आप 3 सेंटीमीटर डालोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है थंब इम्प्रेशन, तो थंब इम्प्रेशन आपको हॉरिजॉन्टली लगाना है। यहां पर सैंपल आपको दिखा रखा है, तो ऐसे करके लेफ्ट हैंड का आप थंब इम्प्रेशन लगाओगे व्हाइट पेपर पे, उसकी हॉरिजॉन्टल फोटो खींचोगे और 4x3 सेंटीमीटर का जो है इसका साइज रहेगा वो आपको उस वीडियो से पता लग जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा कि 4x3 सेंटीमीटर में कैसे सेट करनी होगी, और 200 DPI रेजोल्यूशन रहेगा और 100 KB मैक्सिमम इसका साइज रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात, तो ये चीज जो है आप ध्यान रखना। अब वो जो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिसमें मैंने सेटिंग्स बताई हैं कि इन फोटोज को जब आप क्लिक कर लोगे तो इन सारी फोटोज को जो है उस सेटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाना आप लोग। ठीक है, तो पिन करा हुआ जो कमेंट होगा वहां पे आपको जो है
फर्स्ट नंबर पे जो वीडियो मिलेगी वो उसी की होगी कि आपको सेटिंग कैसे करनी है फोटोग्राफ की, ठीक है, फोटो की, थंब इम्प्रेशन की और अपने सिग्नेचर की सेटिंग कैसे करनी है। पहला लिंक उस वीडियो का होगा। सेकंड जो लिंक होगा वो उस वीडियो का होगा जिसमें मैंने ये बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको क्लियरली, और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे, और जो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है नॉर्सेट 2022 से रिलेटेड, उस पर मैं वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।